एक मर्तबा जंगल बयाबान में मुझे रात हो गई। हर तरफ सन्नाटा तारी था और दूर दूर तक आबादी का नामो निशान ना था। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक एक समत से गधे के चीखने की आवाज आने लगी। खुदा की कसम, सुबह तक वो आवाज मुझे सुनाई देती रही। नींद मुझसे कोसों दूर थी, मैंने वो रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैं उस समत चल दिया जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचा तो एक अजीब और गरीब मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वहां एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मट्टी हट चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मुझे वहां कुछ दूर दो झोंपड़ियां नजर आईं। मैंने वहां पहुंचकर बुलंद आवाज से सलाम किया। झोंपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बुढ़िया बाहर आई। मैंने उनसे गधे और कब्र के मुतालिक पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम उसके मुतालिक ना पूछो तो क्या हर्ज है। मैंने कहा, मैं इस भयानक मंजर के मुतालिक जरूर दरियाफ्त करूंगा, बराए करम मुझे सूरत हाल से आगाह कर दीजिए। औरत ने कहा, अच्छा अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। खुदा की कसम, वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा वो मेरा शौहर और इस बुढ़िया का बेटा था। कसम है उस जात की जिसने गुज़श्ता रात तुम्हें ये मंजर दिखाया, मेरा ये शौहर अपनी माँ का बहुत ज्यादा नाफरमान था। मैंने इससे ज्यादा माँ का नाफरमान दुनिया में कोई नहीं देखा। जब भी इसकी माँ इसे किसी बुरी बात से मना करती तो वो उससे इस तरह बदकलामी करता और कहता, कफा हो जाओ, क्या गधी की तरह चीखो पुकार कर रही है, जा मुझे तेरी बात नहीं सुननी। आखिरकार दुखियारी माँ ने तंग आकर कहा, अल्लाह ताला तुझे गधे की तरह बना दे। जब ये नाफरमान मर गया तो हमने इसे दफना दिया। जिस दिन हमने इसे दफनाया उसी दिन से ये गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। माँ का नाफरमान और अपनी माँ को गधी कहने वाला अब रोजाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता है और हर रात उसकी कब्र से ये आवाज सुनाई देती है। हजरत सैयदना अबू हाजिम अले रहमतुल्लाह दाइम फरमाते हैं, मुझे किसी शख्स ने इबरतनाक वाकया यूं सुनाया।